लॉलीपॉप खिया खिया के विकेट लेते पड़े। दोस्तों आज पीएल 2023 में जबरदस्त भोजपुरी कमेंट्री देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस साल आईपीएल वालों ने जबरदस्त ट्रिक लगाया है और भोजपुरी कमेंट्री को परमिशन दे दिया है। दोस्तों फिर क्या कहना, हर तरफ सिर्फ आईपीएल भोजपुरी कमेंट्री का ही बोलबाला है। भोजपुरी कमेंट्री से जितना फायदा भोजपुरी को हुआ है उससे कहीं ज्यादा फायदा आईपीएल को हो रहा है। दोस्तों पहले मैच सिर्फ वे ही लोग देखते थे जिनका क्रिकेट में रुचि था, इंटरेस्ट था, लेकिन आजकल हर वो शख्स आईपीएल देख रहा है जो कॉमेडी मनोरंजन जैसा वीडियो देखता था। जब से आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री आया है तब से दोस्तों यूपी, बिहार, झारखंड जैसे कई राज्यों में लगभग हर घर में आईपीएल देखा जा रहा है। मौज मस्ती और इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन आजकल आईपीएल हो गया है। जैसे ही शाम 7:30 होता है सभी अपनी मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों भोजपुरी में कमेंट्री तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बीच बीच में भोजपुरी के मशहूर गानों का तड़का भी लगाया जा रहा है। जिससे दोस्तों सारा स्टेडियम झूम उठता है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे भोजपुरी गानों के बारे में बात करेंगे जिसको मैच चलते टाइम स्टेडियम में बजाया गया, और आप काउंट करके हमें कमेंट में बताइएगा कि किस भोजपुरी सुपरस्टार का गाना सबसे ज्यादा बार बजा। सुनिए पहला गाना पवन सिंह का, अब खेसारी लाल यादव, फिर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का तबला सॉन्ग। इन दोनों सुपरस्टारों के अलावा भी और बहुत सारे गाने बजे। दिनेश लाल यादव चंदन चंचल का भी, नहीं नहीं चंदन चंचल का नहीं, सॉरी विकेट लेते पड़े। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों